इधर इसराइल की सेना ने 24 घंटे में गाजा पट्टी में मौजूद हमास के 200 ठिकानों पर बमों की बारिश कर उन्हें तबाह कर दिया। इन हमलों के बाद इसराइल ने बड़ी संख्या में हमास के लड़ाकों के मारे जाने का दावा किया। इसराइल की तरफ से इन हमलों का एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें आसमान से गिरती मिसाइलों और बमों के प्रहार से हमास के ठिकाने एक के बाद एक मलबे के ढेर में तब्दील होते दिखाई दिए। इसराइल का दावा है कि पिछले 24 घंटों से उसकी वायुसेना ने गाजा पट्टी में मौजूद हमास के 200 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें हमास के ठिकाने ताकतवर बमों के वार से तबाह होते नजर आए। इसराइल के मुताबिक गाजा पट्टी में मौजूद हमास के ये ठिकाने पिछले कई दिनों से उसके निशाने पर थे, जिन्हें तबाह करने के लिए लड़ाकू विमानों ने उन पर ताबड़तोड़ बमबारी की। इसराइल ने इन हमलों के जरिए हमास को काफी नुकसान पहुंचाने का दावा किया, लेकिन उसकी तरफ से इस बात की जानकारी नहीं दी गई कि इस ऑपरेशन में हमास के कितने लड़ाकों की मौत हुई।